प्रोसेसों में बताया कि आयत नंबर 34 से आयत नंबर 34 के अल्फाज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहले अस्सलाम शब्बान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वइस कुलना लिल मलाइकाति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तर्जुमा इसका है कि जब हमने फरिश्तों से कहा तुम लोग आदम को सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने क्या किया? उसने दो काम किए। अबा वस्तकबरा, ये वाव चूंकि अलग से इसका मतलब है एंड, और ये कॉमन भी है काफी आता है। अबा का मतलब है इनकार किया और इस्तकबरा का मतलब है तकब्बुर किया। यहाँ पे इनकार करने की अल्लाह की बात ना मानने की वजह ये है कि उसने तकब्बुर किया है। तो गोया कि उसको मालूम था कि बात माननी चाहिए, उसको मालूम था कि बात ना मानने की का नतीजा क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया? तकब्बुर किया। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है इससे, जो सबक हमें मिलता है वो क्या है कि तकब्बुर की वजह से इंसान, हम सब लोग गलती कर सकते हैं। तकब्बुर की वजह से, तकब्बुर को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं घमंड। घमंड की वजह से या तकब्बुर की वजह से हक से दूरी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान सही चीज को जानता है, गलत चीज को भी जानता है, लेकिन तकब्बुर और घमंड की वजह से उससे हक बात को मानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मानना मुश्किल होता है कि मैं, या इस घमंड का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो मुजाहिरा होता है, वो हमारी जिंदगी में कैसे होता है, इसको हम कहते हैं अना। अना को दूसरे अल्फाज में ईगो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मैं की बात जो हम करते हैं। तो इसने भी मैं की बात की, इसने भी घमंड किया, और उसका नतीजा क्या हो गया कि वो वहां से निकल गया, निकाल दिया गया, उसने इनकार किया। हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि कुरान मजीद हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान मजीद हमारी रोजाना की जिंदगी की इस्लाह करे, जो मिस्टेक्स हैं उनको हमें सही रास्ता बताए, कि सही रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। तो यहाँ इस आयत में हमें सबक मिलता है कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, वरना तकब्बुर के नतीजे में कभी कभी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम सही चीज को देख नहीं पाते हैं, या देख भी लेते हैं तो सही से उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और इन सब का नतीजा क्या हो गया? वकाना मिनल काफिरीन, वकाना मिनल काफिरीन। देखिए, एक बात बार बार जहन सबके सामने रखनी चाहिए कि काफिर किसी नाम का नाम नहीं होता है। कोई नाम की बुनियाद पे कोई कुफ्र नहीं करता है। कुफ्र अपना एक अमल है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान का जुर्म ये कर सकता है, यानी अल्लाह की जात का इनकार, गैब का इनकार, जो अल्लाह ने किताब भेजी उसका इनकार, तो जो भी ऐसा करेगा वो काफिर हो जाएगा। तो अगर हम भी ऐसा कुछ अमल कर बैठते हैं जिसमें हम अल्लाह का हुक्म रिफ्यूज कर देते हैं उसको मानने से और उसकी बात नहीं सुनते हैं, इसका मतलब हम भी काफिर हो सकते हैं। तो बोला कि अपने अमल और ईमान की बुनियाद पे कोई कुफ्र में दाखिल हो सकता है और अमल और ईमान की बुनियाद पे कुफ्र से निकल भी सकता है। अब ये था इब्लीस ने सब कुछ किया, ठीक ठाक किया, उसके बाद तकब्बुर किया, तकब्बुर के नतीजे में उसने इनकार कर दिया, और इनकार के नतीजे में क्या हुआ? वो कुफ्र करने वालों में से हो गया। तो गोया कि हमें अल्लाह की बात का इनकार करने से बचने वालों में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि तो कभी कभी उसकी बातों का इनकार करने से हम मिनल काफिरीन की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, यानी जो कुफ्र करने वाले लोग हैं उनकी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। कुफ्र का मतलब रिपीटेशन, कुफ्र का मतलब कोई नाम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मजमुआ है आमाल का और ईमान का। इसके बाद की अब आयत है दूसरी, वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुल मिन्हा। यहाँ पे हमने आप लोगों से एक स्टोरी पिछले क्लास से पूछी, बल्कि सवाल का इंतर आप में से तीन जवाब आप लोगों ने दिए थे।
पहला सवाल था कि हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत से निकले कैसे थे। तीनों सवाल याद हैं या रिपीट कर दें? किसी ने हजरत हव्वा को के सर ये गुनाह दे दिया, किसी ने कहा कि वो दोनों लोग ऐसे थे, किसी ने कहा कि हजरत आदम को किया कि वो उनकी बात नहीं मानी तो हजरत हव्वा को आकर उसने बताया, वगैरह वगैरह। यही थी तीनों बातें, इसके अलावा कुछ था? यही बात थी। तो गोया हजरत आदम जन्नत से निकले कैसे, ये सवाल है। निकलने की वजह क्या थी? निकलने की वजह यह थी कि हजरत आदम और उनकी सौजा, सौजा का मतलब क्या होता है, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं फेयर, मालूम है आप सबको, जोड़ा जिसे कहते हैं, जैसे हम चीजें खरीद के लाते हैं जो दो दो में आती हैं, तो उन दो में से किसी एक को हम अलग कर देते हैं, दूसरी बाकी रहे तो भी वो यूजफुल नहीं रहती है, वो बेकार हो जाती है। तो यही लफ्ज जौज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ए आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, इन अल्फाज की मीनिंग भी आप साथ ही साथ में लिखते हैं, जल्दी जल्दी साथ चाहिए, अंता वज़ौजुकल जन्ना, उसकुन का मतलब है तुम रहो, सिर्फ सिंगुलर को हुक्म दिया जा रहा है, अंता की मीनिंग आपको यकीन मालूम होगी, तुम और वाव और है, ज़ौजुका का मतलब तुम्हारा पेयर, तुम्हारा जोड़ा, कहाँ पे रहना है, जन्नत में रहना है। हम लोग इसको जन्नत कहते हैं, वैसे इसको सही तलफ्फुज़, सही जो प्रोनंसिएशन है वो जन्ना है, जन्ना जन्ना हा के साथ में है, और बहुत सारी जगहों पर किताबों में आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, खास तौर पर इंग्लिश की जो किताबें आती हैं जन्ना, तो आप इसको फौरन गलत मत कह दिएगा, शायद देखा भी हो किसी ने, ये जो एच है इस पे खत्म होता है, तो इसमें गलत और सही की बात नहीं, सिर्फ इसमें लैंग्वेज का फर्क है, हम जब अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं तो बजाय जन्ना के जन्नत कहते हैं, लेकिन ये सही तलफ्फुज़ का किया जाता है, जन्ना ही होता है। उसको तुम रहो अंता तुम वज़ौ चुका और तुम्हारा पार्टनर कहाँ पे रहना है, जन्नत में रहना है। अब इसके बाद चंद अल्फाज हैं जिसकी बुनियाद पे हमें ये पूरी स्टोरी मालूम हो जाएगी कि इसमें असल गलती किसकी थी। पहले हम तर्जुमा सुनाते हैं आपको। पहला लफ्ज है वकुला मिन्हा, कुला मीन्स तुम दोनों खाओ, पहला लफ्ज है कुला, यू बोथ ईट, कुला तुम दोनों खाओ, ये ड्यूअल में है, तुम दोनों खाओ, मिन्हा मिनरल जन्नत, जन्नत से रगदम, खूब जी भर के खूब आसुदा होकर खूब सेटिस्फाई हो जाओ, हई खुशी तुमा, ये भी क्या है, शी तुमा, ये भी डुअल है, ये भी डुअल, ये सब देखिए डुअल की एग्जाम्पल सब लिख रहे हैं, शी तुमा तुम दोनों चाहो, वला तकरबा, वला तकरबा, ये तीसरी मिसाल है, तुम दोनों करीब मत जाना, कुला शी तुमा ला तकरबा, तुम लोग करीब मत जाना, हाजी ही शजर फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, अब उसके बाद में है फतकूना, ये रिजल्ट बताया जा रहा है कि अगर तुम इसकी तुमने ऐसा कर लिया तो उसका क्या होगा, तो एंड कहां पे होगा, फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा, अब फिर आया है अज़ल्लहुमा, ये अज़ल्लहुमा हुमा डुअल है, शैतान ने उन दोनों को बहका दिया, फअख़रजहुमा, अब फिर से अख़रजहुमा, अख़रजहुमा मिम्मा काना फीही, काना नून और अलिफ के साथ में है, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, चलिए इसको हम अभी रुक के डिस्कस करेंगे, पहले इन अल्फाज को आप देख लें, कुला ये देखिए सब के सब डुअल हैं, तुम कुला मींस तुम दोनों का, लिख लें आप लोग, लिख ले, लिख लिया,
जी मीनिंग इसकी है तुम दोनों खाओ, शी तुमा का मतलब है तुम दोनों चाहो, ला तकरबा की मीनिंग है तुम दोनों करीब ना जाओ या करीब ना हो, लिखिए आप लोगों ने, फतकुना की मीनिंग है वरना तुम दोनों हो जाओगे, वरना तुम दोनों हो जाओगे। जी हो जाओगे, यू विल बिकम, हो जाओगे, हो जाओगे। ये वर्ना इनफैक्ट इनकम्प्लीट है, इसे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक साथ हम बाद में समझा देंगे। अब यहाँ पे अजल्ला, ये असल में ये जो मिसालें नीचे दी हुई हैं ये दोनों, ये इस तरह से हैं, ये हुमा असल में उसमें शाम है अलग से, हुमा हुमा का मतलब दे टू, और यहाँ भी यही हुमा है, इसका मतलब है दे टू। अजल्ला हुमा, उनको लाया वहां से, अखरजा हुमा, उनको निकाला वहां से, काना का मतलब है वो दोनों थे, वो दोनों थे, दे बोथ वर्क इनकम्प्लीट है, लेकिन इसको एज इट इज आप लिख लें, दे बोथ वर्क। ऐसे ही लिखते हैं या कोई और तरीका है? देखिए कुछ लोग शा इंशा को मिला देते हैं, दैट इज रॉन्ग, इन अलग है, इनका मतलब इफ, शाह या शाओ का मतलब होता है विल चाहना, और अल्लाह में अल्लाह, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं अल्लाह विलिंगली, सुना होगा ऐसे याद नहीं, चाहना उसी से यहां भी है चाहना, चाहना मतलब विश करना या एक्सपेक्ट करना या उसकी डिजायर होना, टू डिजायर टू विश। बच्चों लिखिए आप लोगों ने, आप सब ने लिख, ये आपस से बातें ना, ये जो पूछना हो इधर पूछ लीजिए। अजल्ला का मतलब होता है गुमराह कर देना, फिसला देना, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज असल बताना मकसूद है, जो असल सब जाना है वो क्या है, वो ये हुमा है कि अजल्ला में ये हुमा, ये आप इसकी मीनिंग लीजिए खासतौर पर। देखिए मीनिंग सबकी आपको ट्रांसलेशन में पुराने मिल जाएगी, जो चीज समझाने की ग्रामर से है वो ये है हुमा। जी सो यू बोथ विल बी और बिकम, सो एज अ रिजल्ट, सो इफा अलग से है, तकूना अलग से है। उसकुन यू लिव, ये हुक्म है, कमांड है। अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने, दे बोथ, यहां देखिए जो चीज वाकई में समझने की है, जो हम समझाना चाहते हैं इसमें, वो ये है कि बोथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, इसमें किसी एक की कोई गलती नहीं थी, दोनों का है कि कुला अल्लाह ने उन दोनों से कहा कि ए आदम और वजह झुका और तुम्हारे साथी, तुम दोनों रहो, खाओ जहां से चाहो, जहां से चाहो वो खाओ, कुला तुम दोनों खाओ, इनहै सुशी तुम्हारा जहां से तुम चाहो, इनहै सु वो तो छोड़ दिया है क्योंकि डुअल समझाना मकसूद था। ला तकरबा हाजी शजरा, हाजी शजरा लिखा हुआ उसके बाद में, शजरा कहते हैं दरख्त को, ना वो गेहूं लिखा है, ना गंदुम लिखा है, ना ज्वार लिखा, कोई नाम नहीं है उसके अंदर, ये नाम हम लोगों ने अपने इमेजिनेशन से वहां पे सेट कर लिए हैं, इमेजिनेशन भी है, कुछ स्टोरीज भी लोगों ने सुन रखी है, वहां से कॉपी और पेस्ट कर लिया है, इसलिए हम इस पे जसारत नहीं करेंगे, यानी हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये किस चीज का दरख्त था, अनार था या अंगूर था या गेहूं था या चावल था, क्या क्या था, हमें कुछ नहीं हुआ। अब ये आप समझ में आ गया आपको, ये जो हम लोग स्टोरीज ऐड करते रहते हैं कुरान में, ये मुनासिब नहीं है। कुरान बहुत सिंपल अंदाज से बात करता है,
कि इस दरख्त के पास ना जाओ। वलतक्रबहा मेरी शजरा, ये ऐसे लिखा हुआ है कुरान में। शजरा का मतलब दिस ट्री, बहुत सिंपल है दिस ट्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। शजरा आप कहीं भी देख रहे हैं इसमें शजरा दिस ट्री, अब वो दिस ट्री में क्या था हो सकता है अल्लाह की मर्जी है, वो अहम नहीं है। अहम क्या है कि अल्लाह की बात जहां मानी है वहां माननी है। तुम दोनों करीब मत जाओ वरना क्या होगा, फतकूना मिन अस्वालिकी, वरना तुम क्या होगा जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तो शैतान ने फाजल उमर शैतान और शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। वह अखरजहुमा मिम्मा काना फी, जहां वो थे वहां से उनको निकाल दिया, निकाल दिया या निकालने वाले आमाल करवा दिए। तो बच्चों इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको सी बात समझ में आ गई होगी, ये कुरान में ना कहीं तन्हा आदम को जिम्मेदार ठहराया गया है और ना कहीं हव्वा को है, दोनों को बराबर रखा गया है, दोनों बराबर यानी मर्द और औरत बोथ आर इक्वल इन द कुरान इन दिस स्टोरी इन पर्टिकुलर। तो यहाँ भी ये बात जहन में रखनी चाहिए जो बहुत सारे किस्से मशहूर है कि हजरत हव्वा ने गलती की और फिर हजरत आदम निकल गया उनकी वजह से, ये सारी स्टोरीज बहुत ही अजीब किस्म की है जो पहलू में है, गलती दोनों से हुई थी। आदम भी और उनकी जोजा भी शरीक है। तो ये एक चीज जहन में रखिएगा, अगर आपके सामने ये बात आती है कि किसने गलती की थी तो इससे जवाब हमारे पास मौजूद है, गलती दोनों से हुई थी, यानी कि मर्द और औरत जो उस वक्त मौजूद थे हजरत आदम और हजरत हव्वा की शक्ल में, दोनों से हुई थी, दोनों के लिए जिम्मेदार है। किसी एक को हम ज्यादा जिम्मेदार किसी एक को कम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह था आपसे पूछा जाए कि शैतान क्यों निकला वहां से, क्यों वो रुसवा हुआ, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसने तकब्बुर किया और इस तकब्बुर के नतीजे में उसने बात नाफरमानी की और इसके नतीजे में वो कुफ्र करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरा नाम तो फलान इब्न फलान है, क्या मेरा क्या होगा, भाई दो चीजें हैं, ईमान प्लस अमल सालेह, ये है तो बहुत अच्छा, इनमें से एक गायब और ये है तो ये कुछ नहीं है, इनमें से एक गायब और ये है तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रिजल्ट है, ईमान प्लस अमल सालेह दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर टाइम मिलता है तो, टाइम नहीं मिलता है और इसी के साथी में जिंदगी खत्म हो जाती है वो एक अलग मसला है, लेकिन क्योंकि जितना हमें अल्लाह ने वक्त दिया है सिर्फ उसी का अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। इस सेंस में कि मान लीजिए किसी ने 40 साल की उम्र पाई है तो 50 साल की उम्र का हिसाब नहीं देगा, जो है उसी का हिसाब देगा। तो तीन चीजें मालूम होगी हम लोगों को, एक चीज ईमान और अमल सारे यही है, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज हमारे लिए आखिर में काम आने वाली नहीं है। इब्लीस भी निकला क्योंकि उसने तकब्बुर किया और उसने बात नहीं मानी, तो कोई अगर हम भी अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो हमारे साथ भी वही सब हो सकता है। दूसरी चीज आदम और हव्वा दोनों के जन्नत से निकलने में सबब कोई एक नहीं था बल्कि दोनों थे, दोनों ने अगर गलती ना की होती। बच्चे दो अल्फाज हैं उन्हें लिख लें आप, ये क्या है कोई पढ़ बता सकता है, एक है मुस्तकर इसे भी लिख लें और दूसरा है मता। आप में से जिन लोगों को जबान से वाकिफियत होगी वो सब सुन चुके होंगे, मालो मता इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, करार सुना है आप लोगों ने, करार होना ठहरना इत्तेफाक, हाँ मताम तन्वीन है, डबल पेश लगाया जी, कहाँ पे मुस्तकर में देखिए तश्तीर तो अभी कहीं दिख नहीं गई है, ये मीम है इसके ऊपर पेश है, सीन पे सुकून है, ते पे जबर है, पाफ है उसके ऊपर में जबर है मुस्तकर, राइट, आइडियली रे पे तश्तीर होनी चाहिए लेकिन हमने वहां पे तश्तीर लगाई नहीं है। मुस्तकर व मता
मुस्तकर कहते हैं ठहरने की जगह। आदमी ठहरता कहाँ है? सफर कर रहा है उसमें से एक थोड़ी देर बीच में रुक के ठहरता है और कुछ सांस लेता है, आराम करता है, जिसे कहते हैं आराम करना, सफर की थकावट दूर करना। और उसके बाद में इसको हम कहते हैं सामान। सामान का मतलब जो भी सामान हमारा हो सकता है, जो भी नीड्स हो सकती हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में या बस पे, जब हमारी सफर हमारा लंबा होता है तो उसमें सामान उसी लिहाज से होता है, 10 मिनट की डिस्टेंस हो तो उसके लिहाज से सामान होता है। अगर हमें 3-4 दिनों के लिए सफर करना है तो वैसे ही सामान होता है। तो कुरान में दुनिया की जिंदगी के बारे में बताया गया है, दुनिया में क्या है, ये मुस्तकर है, यानी बस थोड़े से रुकने की जगह है। और साथ जो कुछ भी यहाँ जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, जो भी अच्छी चीजें बुरी चीजें आराम तकलीफ जो भी है, ये सब मता है और ये सब थोड़े से वक्त के लिए है। थोड़ा सा वक्त कहाँ लिखा हुआ है किसी को मालूम है? एक लफ्ज है उसे भी आप लिखिए, बहुत बड़े काम का है क्योंकि कई जगह पे आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हीन, हीन का मतलब है वक्त। चूंकि यहाँ पे अलिफ लाम नहीं लगा है तो इसमें हम लिख देंगे थोड़ा सा वक्त। थोड़ा सा वक्त, ये जो सा है ये सिर्फ हमने सहूलत के लिए यहाँ पे कहा है, वरना थोड़ा वक्त, थोड़ा वक्त। वलकुम फिल अर्ज मुस्तकरुन व मताउन इला हीन, अभी शायद तो लिखिए मुकाबले में जो लग जाता है असमा और असमावाद, वो क्या है? द स्काई है। वाओ और लाम की मीनिंग क्या है? फॉग। खून की मीनिंग क्या है सबको मालूम होनी चाहिए। एंड फॉर यू, और तुम्हारे लिए। कहां पे? फिल अर्थ, जमीन में। और ऑन द अर्थ क्या है? मुस्तकर है, एक प्लेस है टू स्टे। वो मकान और सामान है, कब तक के लिए? फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन।